नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पिछले 48 सालों से चली आ रही परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया और एक नई परंपरा की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति पर युद्धवीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। इस बार पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर नहीं बल्कि इंडिया गेट के पास बने वॉर मेमोरियल में जाकर दी। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति की जगह युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की याद में 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति तैयार की गई थी। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समेत दूसरे महत्वपूर्ण मौकों पर यहां आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया करते थे। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति पर एक झुकी हुई बंदूक, ऊपर जवान का हेलमेट रखा हुआ है और उसके नीचे लगातार ज्योति जलती रहती है। वहीं अगर देश के पहले वॉर मेमोरियल की बात करें तो ये करीब 40 एकड़ में फैला हुआ है। इस वॉर मेमोरियल में अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र नाम से चार चक्र हैं, जिन पर ग्रेनाइट के पत्थरों पर स्वर्ण अक्षरों से 25,942 जवानों के नाम लिखे हैं। इसमें 15.5 मीटर ऊंचा एक स्मारक स्तंभ, निरंतर जल रही ज्योति और कांस्य के 6 भित्ति चित्र हैं, जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों को दर्शा रहे हैं। भारत का पहला वॉर मेमोरियल को फरवरी 2019 में देश के लिए खोला गया था। यह स्मारक 1962 में भारत चीन युद्ध, 1947-65 और 71 में भारत पाक युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल के अभियानों और 1999 में करगिल युद्ध और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के दौरान शहीद जवानों को समर्पित है।